फिल्म की शुरुआत में रकेल को क्लासरूम में दिखाया जाता है। वो अपने असाइनमेंट यानी कि अपनी लिखी गई स्टोरी सबके सामने रीड करने से मना कर देती है, जबकि वह बहुत ही अच्छी स्टोरी लिखा करती थी। रकेल इस पूरी स्टोरी को नैरेट कर रही थी। वो कहती है कि उसकी स्टोरी क्लासरूम में शुरू नहीं हुई थी, उसकी स्टोरी उसके घर से शुरू हुई थी। उसकी कहानी में उसका घर एक छोटा सा और सिंपल सा मकान था। उसके पड़ोस में एक बड़ा महल था जिसे कि हिडाल्को मैंशन कहा जाता था। हिडाल्को फैमिली की लाइफ स्टाइल रकेल की लाइफ स्टाइल से बिल्कुल अलग थी। वो एक इन्फ्लुएंशियल कंपनी अल्फा 3 के ओनर थे और उनका हेडक्वार्टर बार्सिलोना में एक शानदार बिल्डिंग में था। अल्फा 3 का नाम कंपनी के तीन हिडाल्को भाइयों आर्टेमिस, आरिस और अपोलो के ऊपर रखा गया था। रकेल आरिस हिडाल्को को पसंद करती थी और उसे स्टॉक किया करती थी। उसे आरिस बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसने कभी भी उससे बात नहीं की थी। रकेल आरिस की हर एक्टिविटी के बारे में जानती थी। वो हर चीज जानती थी जो कि आरिस करता था। वो कब सोता था, कब जागता था और कब क्या किया करता था, ये सब रकेल को पता था। एक दिन रकेल अपनी खिड़की से अपोलो को अपना वाईफाई यूज करते हुए देख लेती है। अपोलो रकेल को वाईफाई पासवर्ड देने के लिए थैंक्स कहता है। वो रकेल को बताता है कि उसका वाईफाई खराब हो चुका था। रकेल ये सुनकर कंफ्यूज हो जाती है। अगली रात रकेल को बहुत तेज म्यूजिक बजता हुआ सुनाई देता है। वह विंडो से झांक कर देखती है तो उसे आरिस दिखाई देता है। रकेल उसको म्यूजिक कम करने के लिए और अपना वाईफाई का यूज बंद करने के लिए कहती है। तब आरिस उसे बताता है कि उसने उसके कंप्यूटर को हैक कर लिया था और उसके वाईफाई को क्रैक कर लिया था। आरिस उसे वेज कहकर बुलाता है। आरिस अपने फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा था। रकेल छुपकर आरिस को फुटबॉल खेलते हुए देखने लग जाती है। तभी बहुत तेज बारिश होने लग जाती है। आरिस उस तेज बारिश में भी प्रैक्टिस कर रहा था और रकेल अकेली एक जगह पर छिपी हुई उसे देख रही थी। मैच होने के बाद आरिस अपने घर की ओर लौटने लग जाता है। रकेल भी उसका पीछा करने लग जाती है। आरिस रास्ते में एक सीमेंट्री के अंदर चला जाता है। वहां पर उसके दादा की ग्रेव थी। रकेल भी अंदर चली जाती है। उसे किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है और वो डरकर फिसलकर कीचड़ के अंदर गिर जाती है। वो अपने आप को संभाल कर उठती है और आगे की ओर बढ़ने लग जाती है। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख देता है। रकेल आरिस को देखती है। रकेल आरिस से अपने वाईफाई पासवर्ड को यूज करने के बारे में क्वेश्चन करती है। तब आरिस वाईफाई पासवर्ड रकेल के हाथ पर लिख देता है जो था आरिस इज अ ग्रीक गॉड। रकेल ने अपना वाईफाई पासवर्ड आरिस के नाम पर रखा हुआ था जिसे हैक करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। आरिस कहता है कि वह उसके कंप्यूटर को पूरी तरह से हैक कर चुका था और वो जानता था कि उसने उसके बारे में क्या क्या जानकारी इकट्ठी की हुई थी और वह उसे कितना पसंद करती थी। रकेल आरिस के सामने एडमिट करती है कि वो उसे पसंद करती थी। रकेल आरिस से अपने को घर छोड़ देने के लिए कहती है। बदले में आरिस उससे किस मांगता है। रकेल पहले तो मना कर देती है, लेकिन बाद में इसके लिए तैयार हो जाती है। आरिस धीरे धीरे रकेल के करीब आता है, लेकिन वो उसे किस नहीं करता। रात में रकेल अपने वाईफाई पासवर्ड का प्लग निकाल देती है और सो जाती है। कुछ आवाज सुनकर उसकी नींद खुलती है। वो देखती है कि आरिस उसके कमरे में वाईफाई प्लग को फिट कर रहा था। रकेल आरिस को कुछ कह नहीं पाती। आरिस रकेल को एक चेयर पर बिठाता है और उसके साथ छेड़छाड़ करने लग जाता है। रकेल बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। उस मोमेंट पर आरिस उसे उसी हालत में छोड़कर विंडो से अपने मैंशन में चला जाता है। जाते जाते आरिस रकेल से उसकी काम करने वाली जगह के बारे में पूछता है। रकेल के दो बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे, जोशी और डैनियला। जोशी मन ही मन रकेल को पसंद करता था, लेकिन उसने इस बारे में रकेल को कुछ भी नहीं बताया था। अगले दिन आरिस रकेल की काम करने वाली जगह पर पहुंच जाता है। उस वक्त रकेल के साथ जोशी भी था। आरिस रकेल को अपने घर की पार्टी में इनवाइट करता है। वो जोशी को भी पार्टी में आने के लिए कहता है। रकेल डैनियला के साथ आरिस की पार्टी में पहुंच जाती है। अपोलो डैनियला से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है। रकेल आरिस को एक अलग जगह जाते हुए देखती है। वो उसके पीछे जाने लग जाती है। तब वहाँ खड़ा हुआ गार्ड उसे वहीं पर रोक देता है। आर्टेमिस आकर उस गार्ड को रकेल को अंदर जाने देने के लिए कहता है। रकेल को अंदर आरिस मिल जाता है। रकेल आरिस को सिड्यूस करने लग जाती है, जिसके कारण आरिस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो आरिस को उसी हालत में छोड़ती है और उसे कहती है कि कड़वा ही बिच होता है। रकेल अपोलो को ड्रिंक पिला देती है। अपोलो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और उस हालत में अपने घर जाने से मना कर देता है। रकेल डैनियला की हेल्प से अपोलो को अपने घर ले जाने के लिए टैक्सी में बिठा लेती है। वो तीनों टैक्सी में घर के लिए रवाना
हो जाते हैं। अपोलो से रास्ते में रकेल का फोन टूट जाता है। रकेल अपोलो को अपने घर में अपने बेड पर सुला देती है। आरिस अपोलो को ढूंढता हुआ रकेल की विंडो से उसके कमरे में आ जाता है। वो रकेल को कहता है कि उसके पापा अपोलो का ड्रिंक करना पसंद नहीं करते, इसीलिए उसे उसके पापा के ऑफिस जाने तक अपोलो को वहीं पर रहना होगा। आरिस रकेल से उस मोमेंट पर अपने ग्रैंडफादर के बारे में बात करता है कि उनकी डेथ एलर्जी के कारण हुई थी। वो रकेल को अपनी एलर्जीज के बारे में बताता है कि उसे क्लोरीन से एलर्जी है। आरिस वहीं बेड पर लेट जाता है। वो रकेल को भी सोने के लिए कहता है। रकेल भी आरिस और अपोलो के बीच में लेट जाती है। आरिस उस वक्त रकेल के प्राइवेट पार्ट्स को छूता है। रकेल को इससे बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन रकेल जोशी के साथ अपने घर स्टडी करने के लिए आती है। उसे वहाँ नया फोन रखा हुआ दिखाई देता है। वो फोन आरिस ने रखा था क्योंकि अपोलो से रकेल का फोन टूट गया था। रकेल जोशी को वहीं छोड़कर आरिस को फोन देने के लिए उसके मेंशन जाती है। आरिस के मेंशन में रकेल की मुलाकात उनके घर की केयरटेकर क्लॉडिया से होती है। क्लॉडिया रकेल को आरिस के पास छोड़ देती है। आरिस उस वक्त वीडियो गेम खेल रहा था। रकेल फोन वहीं पर रखकर वापस जाने लगती है। आरिस रकेल से उसे किस करने के लिए पूछता है। रकेल आरिस की इस बात को इग्नोर करके दरवाजे की ओर चली जाती है। फिर एकाएक दौड़ती हुई आकर आरिस को किस कर लेती है। आरिस और रकेल इसके बाद इंटीमेट होते हैं। आरिस रकेल से पूछता है कि क्या वो उसका पहली बार था। इधर जोशी आरिस के घर की ओर देखते हुए रकेल का इंतजार कर रहा था। रकेल की मॉम के पूछने पर जोशी उसे बताता है कि रकेल अपने नोट्स स्कूल में भूल गई थी और वो वही लेने के लिए गई हुई थी। इधर आरिस और रकेल अभी भी एक साथ थे। आरिस उठता है और अपने कपड़े पहनकर वीडियो गेम खेलने लग जाता है। रकेल को आरिस की इग्नोरेंस पसंद नहीं आती। वो उठकर अपने कपड़े पहनकर वहां से जाने लगती है। तब आरिस उसे फोन ले जाने की याद दिलाता है। रकेल गुस्से में फोन को वहीं पर पटक कर घर लौट आती है। घर में रकेल की मॉम के पूछने पर रकेल उसे कुछ नहीं कहती और जोशी को उस वक्त वहां से जाने के लिए कहती है। रकेल लाइब्रेरी में बैठी हुई होती है। तब उसे आरिस का मैसेज मिलता है। आरिस ने अपनी एक फोटो भेजी थी जिसमें वो रकेल का लॉकेट पहने हुए था। रकेल को रियलाइज होता है कि वो अपना लॉकेट हिडाल्गो मेंशन में भूल गई थी। वो अपना लॉकेट लेने के लिए मेंशन जाती है। क्लॉडिया रकेल को आरिस के पास ले जाती है। आरिस उस वक्त अपने दोस्तों के साथ पूल पर था। रकेल भी वहां बैठकर उनकी बातों को एंजॉय करने लग जाती है। बाद में मस्ती में सभी पूल में एक दूसरे को गिरा देते हैं। आरिस रकेल को चेंज कराने के लिए रूम में लेकर आ जाता है। वहां वो दोनों एक बार फिर से इंटीमेट होते हैं। सुबह आरिस रकेल को छोड़कर उस रूम से बाहर निकल जाता है। आरिस को बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा था। क्लॉडिया रकेल के रूम में जाती है और उसे बताती है कि आरिस जा चुका है। रकेल को क्लॉडिया का वहां पर आना और उसके मुंह से आरिस का जाना सुनकर अच्छा नहीं लगता। वो अपने घर लौट कर आ जाती है। आरिस छिपकर उसे जाते हुए देखता है। डेनियला और योशी रकेल के खराब मूड को देखकर उसे अपनी पार्टी में ले जाते हैं। डेनियला ने वहां पर अपोलो को भी इनवाइट किया था जिसके कारण आरिस भी उस पार्टी में आया हुआ था, लेकिन वहां रकेल और आरिस की कोई भी बात नहीं होती। डेनियला अपोलो को किस करती है, फिर उसे छोड़कर वो अपनी फ्रेंड के साथ चली जाती है। रकेल पार्टी में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। वो आरिस को भुलाने के लिए योशी के साथ डांस भी करती है। वो योशी के साथ ही पार्टी में बहुत देर तक समय बिताती है। आरिस एक लड़की के साथ अपने घर लौटता है, लेकिन वह उस लड़की को अपने घर के बाहर से ही जाने के लिए कहता है। आरिस अपने घर में रकेल के वाईफाई पासवर्ड को चेक करता है। वो देखता है कि रकेल ने अपना पासवर्ड बदल दिया था। ये देखकर आरिस बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। रात को रकेल अपने घर लौटती है तो बहुत ज्यादा पिए हुए होने के कारण वो लड़खड़ा कर बाहर ही गिर जाती है। आरिस अपनी विंडो से रकेल को देख लेता है और जाकर उसे उठाकर उसके घर पहुंचा देता है। रकेल आरिस को एक लव स्टोरी सुनाने के लिए कहती है। आरिस उसे एक बच्चे की कहानी सुनाता है जो अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता था। उस बच्चे को लगता था कि उसके पेरेंट्स एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। एक दिन जब उसके पापा बाहर गए थे, उसने अपनी मॉम को उनके बेडरूम में किसी और के साथ देख लिया और उस बच्चे का प्यार के ऊपर से विश्वास अट गया था। उस बच्चे ने इस बारे में अपने भाई को भरोसा करके बता दिया था। उसके बड़े भाई ने इस बारे में उसके पापा को बता दिया था। तब उस बच्चे के पापा ने उसे बुलाया
गया और उसे बताया कि प्यार लोगों को कमजोर बनाता है। उसके पापा ने उसे बहुत सी औरतों की पिक्चर दिखाई जिनके साथ वो सो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि आरिस रकेल को अपनी कहानी सुना रहा था। आरिस के पेरेंट्स को अपने बच्चों का प्यार में पढ़ना पसंद नहीं था। अगले दिन सुबह आरिस के पापा आरिस और आर्टिमिस को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनके बाद उनके एम्पायर को वो लोग ही संभालने वाले हैं और उन्हें अभी से इसके लिए तैयार होना होगा, यानी कि आरिस को अब आगे इकोनॉमिक्स पढ़नी होगी। आरिस के पेरेंट्स आरिस को रकेल से मिलने के लिए मना करते हैं। आरिस रकेल को प्यार करने लगा था। आरिस रकेल को अपने फुटबॉल मैच में आया हुआ देखता है। उसका ध्यान भटक जाता है और वो अच्छे से मैच नहीं खेल पाता। आरिस लाइब्रेरी में जाकर रकेल से मिलता है और उससे माफी मांगता है। वह उसे सैटरडे नाइट को होने वाली कॉस्ट्यूम पार्टी के लिए इनवाइट करता है। रकेल आरिस को माफ करके उसके साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। योशी रकेल और आरिस को एक साथ देखकर चिढ़ जाता है और इसके लिए रकेल को वार्न करता है, लेकिन रकेल के ना सुनने पर वह अपनी फ्रेंडशिप तोड़कर वहां से चला जाता है। आरिस और रकेल एक दूसरे को डेट करने लग जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक रात आरिस रकेल को कॉस्ट्यूम पार्टी में जाने का बहाना बनाकर अपनी कंपनी की बिल्डिंग के रूफटॉप पर लेकर आ जाता है। आरिस उस पल को रोमांटिक बनाना चाहता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उस रूफटॉप के ऊपर सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए थे। आरिस के पेरेंट्स को आरिस का रकेल के साथ होने का पता चल जाता है। आरिस के पापा आरिस को एक बार फिर से प्यार न करने के लिए वार्न करते हैं और वह उसे अपने ऑफिस में नए क्लाइंट के आने की पार्टी के बारे में बताते हैं। आरिस के पापा आरिस को अगले साल पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने के लिए जोर देने लग जाते हैं। आरिस अमेरिका जाने के लिए साफ मना कर देता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसकी कोई भी बात नहीं सुनते। आरिस जिद में आ जाता है। वो रकेल के वर्क प्लेस पर जाकर वहाँ काम मांगने लगता है और उसे वहाँ पर काम मिल जाता है। आर्टिमिस और क्लोडिया का रिलेशनशिप भी बढ़ता जा रहा था। आर्टिमिस को आरिस के फूड जोन में काम करने के बारे में पता चल जाता है। आरिस अपने पेरेंट्स को चिढ़ाने के लिए रकेल को अपने ऑफिस की पार्टी में लेकर जाता है। रकेल वहाँ अपनी मॉम को सर्विंग करते हुए देख लेती है। उसे बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटिंग फील होता है। रकेल आरिस को उसे जानबूझकर परेशान करने के लिए ब्लेम करती है और आरिस को सभी के सामने थप्पड़ मार देती है। इसके बाद वो पार्टी को छोड़कर घर आ जाती है। आर्टिमिस आरिस को समझाता है कि उसे रकेल को उस पार्टी में नहीं लाना चाहिए था। आरिस आर्टिमिस से उसके और क्लोडिया के रिलेशनशिप के बारे में पूछता है। तब आर्टिमिस चुप रह जाता है। रकेल बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। रकेल की मॉम उसे समझाती है कि लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वो रकेल को ये भी बताती है कि उसके फादर में हिम्मत नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपनी इतनी अच्छी स्टोरी को कभी भी पब्लिश नहीं कराया था। धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन रकेल की काम करने वाली जगह पर आरिस रकेल के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ प्रॉम में चल सकता था, और साथ ही वो ये भी कहता है कि अगर वो नहीं चाहती तो आरिस उसके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। रकेल बहुत ही हार्शली आरिस को प्रॉम नाइट में जाने से मना कर देती है। आरिस वहाँ काम करना छोड़ देता है। रकेल घर में रो रही थी, तब उसकी मॉम उसके पास आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। वो रकेल को बताती है कि किसी की भी कोई भी गलती नहीं थी। अगर वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं तो उन्हें एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए। रकेल इसके बाद आरिस के घर चली जाती है। आरिस अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था। क्लोडिया रकेल को रोकने की कोशिश करती है। आर्टिमिस भी रकेल को अंदर जाने से मना करता है, लेकिन रकेल किसी की भी नहीं सुनती और वह चिल्लाकर आरिस को अपनी प्रॉम नाइट में आने के लिए इनवाइट कर लेती है। प्रॉम नाइट में डेनियाला अपने से छोटे अपोलो को अपना बॉयफ्रेंड बना चुकी थी। अपोलो डेनियाला को प्रॉम नाइट में ले जाना चाहता था, लेकिन डेनियाला उसे मना कर देती है। रकेल आरिस का बहुत इंतजार करती है। प्रॉम में रकेल योशी के साथ डांस करती है। डेनियाला भी कई अलग अलग लोगों के साथ डांस करती है, लेकिन बाद में उसे रियलाइज होता है कि उसके लिए अपोलो ज्यादा बेटर था। वह डांस छोड़कर वहां से चली जाती है और अपोलो को अपने साथ लेकर आ जाती है। आरिस अपने आप को रोक नहीं पाता और प्रॉम नाइट में पहुंच जाता है। वहां उसका सामना योशी से होता है। योशी आरिस को रकेल को परेशान करने के लिए बहुत बातें सुनाने लग जाता है। दोनों पुल के किनारे पर थे। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। योशी आरिस को फ्लोर पर गिरा देता है। आरिस खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन वह बेहोश होकर पुल के अंदर गिर जाता है। वहीं पास में रखा हुआ क्लोरीन का बॉटल लीक होने लग जाता है और उसका क्लोरीन पुल के पानी में गिरने लग जाता है। योशी रकेल के पास जाता है और उसे आरिस के बारे में बता देता है। रकेल ये सुनते ही पुल की ओर दौड़ लगा देती है। रकेल आरिस को पुल में देखती है। वह क्लोरीन के कारण बेहोश हो चुका था। रकेल उसे बाहर निकालती है और उसे मेडिकल एड प्रोवाइड करती है। आरिस को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। आरिस की फैमिली भी आरिस के बारे में सुनकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। रकेल की मम्मी भी हॉस्पिटल
रकेल पहुंच जाती है। वेटिंग रूम में आरिस के फादर रकेल के ऊपर बहुत गुस्सा करने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि आरिस की हालत रकेल के कारण हुई थी। रकेल की मदर आरिस की फैमिली को बताती है कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। इधर आरिस की स्थिति में भी सुधार होता है। आरिस की फैमिली आरिस के मौत के बहुत ज्यादा करीब पहुँचने के कारण बहुत ज्यादा डर गई थी। वह अपनी प्रायोरिटीज को बदल देती है और आरिस को स्टॉकहोम की यूनिवर्सिटी में मेडिसिन पढ़ने की परमिशन दे देती है। हालांकि पहले उसके फादर उसे स्टैनफोर्ड में इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए जोर दे रहे थे। डिस्टेंस स्टडी के कारण आरिस और रकेल एक दूसरे से कुछ समय के लिए अलग होने के लिए मान जाते हैं। रकेल लिटरेचर पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी चली जाती है, जहाँ पर वह अपनी लिखी गई स्टोरी को पढ़कर सुनाती है। आरिस मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए स्टॉकहोम जाने लगता है। रकेल अपनी मॉम के साथ उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आती है।